Hey, what's up guys? This is Santanu and welcome back to my channel TikTok Shan. So, दोस्तों क्या आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है? अगर आप अपने चैनल पे सिर्फ 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों आप एलिजिबल हो जाते हो अपने चैनल का कस्टम यूआरएल को एनेबल करने के लिए. क्या है कस्टम यूआरएल और किस तरह से हम इसको अपने चैनल पे एनेबल कर सकते हैं वो हम आज के वीडियो में देखेंगे. तो दोस्तों अगर आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है. सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना. सो पहले जान लेते हैं दोस्तों कि कस्टम यूआरएल होता क्या है. देखिए दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है तो दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल का एक लिंक होता है, जिस चैनल का लिंक जो है कुछ इस तरह का होता है www.youtube.com/ उसके बाद दोस्तों कुछ अल्फा न्यूमेरिक कोड यहाँ पे आता है. अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है दोस्तों नंबर और लेटर मिला के कुछ हटपड़ा सा यहाँ पे आता है. लेकिन दोस्तों अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर का लिंक फॉलो करते हो तो हर एक प्रोफेशनल यूट्यूबर का दोस्तों कुछ इस तरह का लिंक होता है www.com/ उसके बाद उस चैनल का नाम. जैसे कि दोस्तों मेरा चैनल का नाम है टिकटॉक सन, सो मेरा चैनल का जो लिंक है वो है दोस्तों www.youtube.com/tiktoksan. हाँ दोस्तों, ये है मेरा चैनल का कस्टम यूआरएल. सो ये कस्टम यूआरएल किस तरह से बनाया जाता है और कस्टम यूआरएल का बनाने का जो मकसद है वो है दोस्तों, अगर आप किसी से फेसबुक या व्हाट्सएप में चैट वगैरह करते हो और वो सामने वाला बंदा आपसे आपका चैनल का लिंक मांगता है तो दोस्तों आप यूट्यूब में आके अपना चैनल का लिंक कॉपी करके उसे पेस्ट करते हो, ठीक है. सो ये आपको नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली लिख देना www.youtube.com/ अपना चैनल का नाम. जैसे कि मैं लिख देता हूँ www.youtube.com/tiktoksan और ये लिखकर जब मैं उसे सेंड कर देता हूँ तो वो दोस्तों ऑटोमेटिकली मेरा यूट्यूब का लिंक बन जाता है. तो ये कैसे होता है, सिर्फ ये लिखकर अगर आप गूगल में भी सर्च करते हो तो भी दोस्तों आपका चैनल का नाम आ जाएगा. तो ये कैसे अनावेल करोगे इसके जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना और बिना स्किप किए देखना दोस्तों. तो चलिए दोस्तों मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन में दिखाता हूँ. अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है दोस्तों तो आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं. सिंपली गूगल क्रोम में जाके अपना YouTube खोल लेना है और इसे डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेना है, ठीक है. तो देखिए दोस्तों, मैं मेरे चैनल को यहाँ पे Google Chrome से ओपन कर लिया है. तो यहाँ पे आपका चैनल का लोगो दिख रहा होगा, इस लोगो पे क्लिक कीजिए और नीचे यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन है ये सेटिंग्स ऑप्शन पे क्लिक कीजिए. जैसे ही आप सेटिंग्स ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा. यहाँ पे ये वाला मेरे चैनल का जहाँ पर लोगो है उसके ठीक नीचे यहाँ पे देखिए चैनल स्टेटस एंड फीचर्स, ये वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए. क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है. सो यहाँ पे नीचे एकदम देखिए यहाँ पे कस्टम यूआरएल का एक ऑप्शन है, ठीक है, कस्टम यूआरएल. सो ये कस्टम यूआरएल यहाँ से आप एनेबल कर सकते हैं. देखिए सभी के पास एनेबल का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे एनेबल का ऑप्शन है, यहाँ पे एनेबल का ऑप्शन है, लेकिन कस्टम यूआरएल के यहाँ पे एनेबल का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इन एलिजिबल दिखा रहा है. क्योंकि मेरे इस चैनल पे दोस्तों अभी तक 100 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, ठीक है, ये चैनल मैं चलाता नहीं हूँ, ठीक है, पुराना चैनल है, ये बंद हो चुकी है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ. क्योंकि अगर इस चैनल में आपको दिखाऊंगा तो आपको देखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. तो देखिए यहाँ पे जो हेयर वाला ऑप्शन है, इस हेयर वाला ऑप्शन पे मैं जब भी क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा. यहाँ पे लिखा हुआ आता है कस्टम यूआरएल का एलिजिबिलिटी क्या है. तो पहले तो अपने चैनल पे 100 सब्सक्राइबर लाना है. सेकेंड है दोस्तों अपने चैनल पे 30 डेज ओल्ड होना है, ये जो आपका चैनल है वो 30 डेज होना ही है. उसके बाद दोस्तों आपका चैनल का लोगो लगा हुआ चाहिए. लोगो का मतलब अपने चैनल का लोगो में आप अपने फोटो भी लगा सकते हैं लेकिन लोगो जरूर लगा होना चाहिए. उसके बाद दोस्तों अपना चैनल का जो चैनल आर्ट है वो भी लगा होना चाहिए. तो दोस्तों ये चार क्राइटेरिया है जो अपने चैनल पे होना है, उसी के बाद आप कस्टम यूआरएल को एलिजिबल कर सकते हो. तो देखिए जब आप अपने चैनल को ओपन करते हो तो यहाँ पे कस्टम यूआरएल जहाँ पे है यहाँ पे एनेबल का एक ऑप्शन देगा. जैसे ही आप इस एनेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आपको सामने खुल जाएगा. यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है youtube.com/ अपना चैनल का नाम. तो अगर आपका चैनल का नाम है क्विक सपोर्ट सर्विस तो आप अपने चैनल का ये वाला ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है इसको क्लिक कर देना है. क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज यूआरएल पे क्लिक कर देना है, ठीक है. तो आपका जो कस्टम यूआरएल हो जाएगा वो हो जाएगा www.youtube.com/ आपका चैनल का नाम. मान लो आपका चैनल का नाम है क्विज सपोर्ट सर्विस तो आपका
चैनल का नाम वहां पे आ जाएगा। और अगर दोस्तों आप लोग चाहते हो कि जो अपना चैनल का नाम है उसके बाद भी और कुछ रहे, यानी कि www.youtube.com/quicksupportservice, उसके बाद भी और कुछ अगर आप लिखना चाहते हो तो आप यहां से ये सेकंड वाला ऑप्शन को क्लिक करके लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपका चैनल टेक्नोलॉजी रिलेटेड है तो आप लिख सकते हो क्विक सपोर्ट सर्विस डॉट टेक्नोलॉजी, या उसके साथ ही आप लिख सकते हो टेक्नोलॉजी। तो अपने चैनल के नाम के बाद और कुछ टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो। वो टेक्स्ट ऐड करने के लिए सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में अलाउ कर देना है और चेंज यूआरएल पे क्लिक कर देना है। जब भी आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली अपना चैनल का कस्टम यूआरएल बन जाएगा। और ये यूआरएल आपको दोस्तों किसी भी आप सोशल मीडिया पे भेज सकते हो। अगर आप टाइप करके सिर्फ भेज देते हो तो ही ये ऑटोमेटिकली अपना चैनल का यूआरएल बन जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से कस्टम यूआरएल को एनेबल कर सकते हैं आप। अगर आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है तो ही आप कस्टम यूआरएल को एनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को समझने में कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और उसके साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल रिलेटेड यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।